let's start with consumer behavior. Dekho, this term consumer, before we go to discuss consumer behavior, we have to understand what do we mean by consumer. What is actually a consumer? Consumer hai kaun? Consumer kaun hai? Okay, in class 10, you may have discussed the Consumer Protection Act, COPRA aapne padha hoga. Okay, there is the definition of consumer. But here in economics, we see consumer from different point of view. What is that point of view? Point of view is that who is consumer? Consumer refers to the individual who purchases any commodity for satisfaction of his wants, for satisfaction of his wants. वो कंज्यूमर वो पर्सन जो कि कोई सामान खरीदता है, क्यों खरीदता है? अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए खरीदता है. ओके, सो व्हाइल वी एनालाइज दिस कंज्यूमर बिहेवियर एंड इन दिस कंज्यूमर बिहेवियर वी हैव टू स्टडी बेसिकली सर्टेन टॉपिक्स. आई एम राइटिंग व्हाट टॉपिक्स वी आर सपोज टू डिस्कस इन दिस यूनिट. ओके, इन दिस यूनिट द फर्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर सपोज टू डिस्कस इज consumers consumers equilibrium. Okay, first topic in this unit we have to discuss consumers equilibrium. Second, we have to discuss law of demand. We have to discuss law of demand. Okay, and third, we have to discuss elasticity of demand. So these three topics we have to cover in this unit, consumers behavior. Okay, no problem. So first we let's start with consumers equilibrium. Okay, first is consumers equilibrium. Okay, so before we go to discuss consumer's equilibrium, we came to know what is consumer. Consumer वो जो सामान को खरीदता है अपने इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए. हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि there are certain terms, there are desire, okay, then wants, then डिमांड. ये टर्म्स जो है इसका अलग अलग मीनिंग है इकोनॉमिक्स में. वी विल डिस्कस कि व्हाट इज डिफरेंट मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स, हाउ वन डिफर फ्रॉम अदर. बिकॉज मैं डिजायर करूं कि स्कूल आने में ट्रैफिक जाम होता है, हेलीकॉप्टर ही काश मिल जाता, घर से छत पे उठता, स्कूल कैंपस में उतारे. आप लोग डिजायर करते इस स्कूल बेकार में बस चलाती है, ट्रैफिक जाम, इतना प्रदूषण, क्यों नहीं एक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करती है, बच्चों को घर घर से उठाए और स्कूल में लाके पहुंचा दो. तो हम कुछ भी कर सकते हैं. वी कैन थिंक एनीथिंग, देयर इज नो लिमिट टू आवर थॉट. वी कैन इमेजिन बहुत प्रदूषण है धरती पे, चलो चांद पे ही रहते हैं. एंड मेनी पीपल हैव स्टार्टेड टू बाय लैंड देयर. तो वो आपकी डिजायर हो सकती है, दैट इट कैन बी योर डिजायर, बट कैन नॉट बी टर्न एज योर डिमांड. हेलीकॉप्टर से आना मेरा डिजायर हो सकता है, डिमांड नहीं हो सकता है. ओके, देयर आर सर्टेन प्रीरिक्विजिट्स व्हिच आर टू बी फुलफिल्ड, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, डोंट वरी. बिफोर वी स्टार्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वी विल क्लेरिफाई दिस टर्म्स. नाउ इक्विलिब्रियम, सेकेंड टर्म इज इक्विलिब्रियम. व्हाट इज इक्विलिब्रियम? एक्चुअली मींस इक्विलिब्रियम इज द स्टेट, इट रेफर्स टू द स्टेट फ्रॉम वेयर
देयर इज नो टेंडेंसी टू डेविएट इन आइदर डायरेक्शन। मतलब कि एक ऐसी स्थिति है जहां से कि आप हटना नहीं चाहते हैं। इफ यू डेविएट देन यू विल गेट लेस देन ऑप्टिमम। सो इट इज सेड दैट एनी डेविएशन विल रिजल्ट इनटू लेस देन ऑप्टिमम। अगर कोई डेविएशन है तो यू विल गेट लेस देन ऑप्टिमम, आपको अधिकतम संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। इकोनॉमिक्स में एक एजम्पशन है, जैसे कि प्रीवियस क्लास है, सेड वन एजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज रैशनलिटी, कि पीपल आर रैशनल, वो सही और गलत में अंतर करना जानते हैं। उसी तरह से दूसरा एजम्पशन है ऑप्टिमैलिटी, मीन्स वी ट्राई टू गेट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग। सो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है और वहां से आप डेविएट करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो यू विल गेट लेस देन ऑप्टिमम। लेट अंडरस्टैंड, एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं इसको। यू ऑल गो फॉर शॉपिंग, आप सब लोग सामान खरीदने जाते हो, यू गो फॉर शॉपिंग। द वर्ड शॉपिंग व्हाई आई हैव यूज्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो टू मार्केट टू बाय समथिंग एंड समवन आस्क यू कहां जा रहे हो, नॉर्मली क्या बोलते हो, मार्केटिंग करने जा रहे हैं। बींग स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, डोंट से मार्केटिंग करने जा रहे हैं। मार्केटिंग इज अ वाइड टर्म, यू विल डिस्कस इन बिजनेस स्टडीज इन क्लास 12। मार्केटिंग इज अ वास्ट टर्म, इंक्लूड्स मेनी थिंग। यू आर गोइंग टू डू परचेजिंग, दैट इज व्हाट वी से शॉपिंग। ओके, तो इसलिए कभी कुछ खरीदने जाओगे टर्म यूज करोगे शॉपिंग करने जा रहे हैं। ओके, तो आप सपोज आप पहुंच गए सब्जी मार्केट में शॉपिंग करने के। अब तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू देखने को मिलता है, लेकिन पहले क्या था, पहले कॉन्वेंशनल तराजू हुआ करते थे। पहले कॉन्वेंशनल बैलेंस, जो तोलने वाला बैलेंस था, इट यूज्ड टू बी कॉन्वेंशनल। ऐसा अभी भी घर में 90% लोग इसी को यूज करते हैं, और इसमें एक एंगल बना होता है, ऐसा पकड़ते हैं इसको आराम से, ऐसे उठाते हैं। अब मान लो इधर रख दिया गुड्स और इधर रख दिया, या 1 kg का वेट रख दिया। अब क्या है कि ये जो बना हुआ है एक कांटा है, एंगल जो बना होता है सामान की तरफ, अगर ये इधर झुका हुआ है, यानी कि टिल्ट किया हुआ है किधर, ये गुड्स की तरफ, तो आप चाहते हो दे दो भाई सामान दे दो, दुकानदार क्या करता है, नहीं देता है आपको सामान, थोड़ा निकाल लेता है। आप चाहेंगे कि दे थोड़ा झुकता दे दो सामान, दुकानदार सामान निकाल लेगा, तो फिर ये क्या होगा, घूमेगा इधर की ओर, यहां आ गया। बाय द वे ये इधर आ गया, इधर झुका हुआ, इधर उठा हुआ है, दुकानदार सोचेगा कि चलो ग्राहक तो पीछे आगे बाहर देखे, हम तो डाल देते झोला में। ओके, तो आप बोलेगा नहीं भाई और सामान डालो इसको। मीन्स अगर ये इधर टिल्ट किया हुआ है तो यू आर इन लॉस एंड शॉपकीपर इज इन गेन। अगर इधर टिल्ट किया हुआ है यू आर इन लॉस, यू आर इन गेन एंड शॉपकीपर इन लॉस। लेकिन जब यहां पे है एग्जैक्ट यहां पे है तो बोथ ऑफ यू आर सेटिस्फाइड, ना कोई लॉस में है ना कोई गेन है, जितना पैसा आपने दिया है उतना पैसे का सामान आपको मिल रहा है। ओके, जितना भी पैसा दुकानदार ने जितना पैसा लिया उतना का सामान दिया, तो बोथ ऑफ यू आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब कि यहां से इधर गया डिस इक्विलिब्रियम, इनस्टेबिलिटी आ गई, फिर इसको इधर आना है। इधर आ गया डिस इक्विलिब्रियम इनस्टेबिलिटी, उसको इधर आना है। दिस इज व्हाट वी से इक्विलिब्रियम। वन इट इज ए स्टेट, कंज्यूमर की ऐसी स्थिति वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज एक्सपेंडिचर, जो खर्च किया है उससे। अब अगर आपके खर्च करो, आपके पास बजट है, मेरे पास बजट है 4 lakh का, और मैं बोलूं ओह इन दिस 4 lakh आई हैव परचेज्ड ए कार अल्टो, खरीद लिया अल्टो 800 एट रुपीज 4 lakhs, और मैं बोलूं मजा नहीं आ रहा है, वो ऑडी वाली फीलिंग नहीं आ रही। भैया 4 lakh का गाड़ी खरीदे हो तो फीलिंग भी 4 lakh का आएगा,
ऑडी का फिलिंग लेना है तो 50 लाख खर्चा करो, ऑडी का फिलिंग आएगा। तो आपने जो खर्च किया है, वॉट एवर वी यू हैव स्पेंट, तो उसके बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं? ओके, कंज्यूम करते हो, ये सामान की बात देख लिए, कंज्यूम करते हो, सपोज पार्टी में जाते हो, पार्टी में जाते हो, भोजन करने के लिए पहुंच जाते हो वहां पे। अब क्या है कि वहां खरीदे नहीं हो तुम, यू हैव नॉट परचेज, यू हैव नॉट परचेज, लेकिन ले लेते हैं एग्जांपल कन्वेंशनल, हम लोग गिफ्ट इनवेलप देते हैं ना, गिफ्ट मानो शादी में गए, रिसेप्शन दूल्हा दुल्हन को इनवेलप दिए, अब बोले कि 1100 का इनवेलप दिए हैं, असूले ने 1100 रुपया, अकेले भाई अड़े चार दोस्त आ जाओ तुम लोग भी, 1100 का इनवेलप कपा दिए हैं, पूरा असूली करना है, वहां खाना शुरू करते हो। तो क्या है कि जब खाना शुरू करते हो आप, तो ऐसा थोड़ी है कि खाते 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 ऐसी स्थिति आ गई कि बस वहीं पे सारा बाहर निकल गया या आदमी तक पहुंचाने के आना पड़ा, नहीं। सो जब आप कहीं खर्च करते हो, किसी सामान के लिए पैसा खर्च करते हो, तो देखते हो कि इससे मुझे कितनी संतुष्टि मिलेगी मिलेगी। सपोज यू गो टू बाय स्टार्टिंग शॉप, आप एक शर्ट को खरीदने के लिए जाते हो बाजार में, ओके, एंड इन शोरूम यू एंटर्ड एंड यू हैव सीन टू शर्ट्स, वन शर्ट इज ऑफ रुपीज 4000, अदर शर्ट इज ऑफ रुपीज 1000, लेकिन व्हेन यू सी दैट 4000, okay, this is of shirt of Zodiac, okay, brand, if Zodiac symbol is there on the pocket, so the brand value milega Zodiac ka, acha ye jo rich cotton hai iska feeling milega, ye acha koi brand nahi hai, kahin jayenge pehen ke koi pehchane ka bhi nahi kaun shirt pehen liya hai, to so hota hum log show off hote hain, kya the class ke din mein tum branded cheeze khareedoge upar mein likha rehta hai wo taki samne wala jaan jaye कि जो भाई साहब है रईस आदमी है, ये जोड़िया का शर्ट पहनते हैं, ये अनब्रांडेड का तो चर्चा ही नहीं करते हैं, इन्होंने वो देखते नहीं वो बड़े बड़े स्टार्स, वो जिमी चू का जूता जूती पहनेंगे, स्टार्स को लिखेंगे दिस इज ऑफ जिमी चू, तो दिस इज द केस। तो 4000 का शर्ट है, यू सी दैट वेदर आई एम गेटिंग सेटिस्फेक्शन इक्वल टू 4000 और नॉट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो इतना जो डिस्कस किया हम लोगों ने कि इक्विलिब्रियम मींस जो खर्च कर रहे हैं उसके बराबर खर्च जब कर रहे हैं आप, यू आर सैक्रिफाइसिंग एंड व्हेन यू कंज्यूम यू आर गेनिंग, सो जो सैक्रिफाइस और गेन है वो बराबर हो जाएगा, देन वी विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब ये इतना आसान तो नहीं है, वी बोल दी हम लोग, इसको एनालाइज तो करना पड़ेगा, वी हैव टू एनालाइज दिस कि कैसे बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। So we have learned that what is consumer and what is equilibrium. Means consumer's equilibrium, when we say a consumer remains in equilibrium at the point where he gets maximum satisfaction out of the money expenditure made by him. Consumer's equilibrium refers to the level of consumption. लिखना अगर चाहें अगर इसको हम लोग तो notes में will share. Consumers equilibrium refers to the level of satisfaction, sorry, not level of satisfaction, it is level of level of consumption where he gets maximum satisfaction out of his money देखो टू थिंग्स ऑलवेज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज कंपैरेटिव मींस व्हाट बिटवीन व्हाट मनी एक्सपेंडिचर एंड लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जितना पैसा उतना कभी कभी क्या होता है यू गो टू थ्रो पार्टी टू योर फ्रेंड्स यू हैव थ्रोन पार्टी टू योर फॉर योर फ्रेंड्स
और जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, यू ऑल मे हैव एक्सपीरियंस दिस, आई हैव एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम अ रैशनल पर्सन, सो यू टू मे हैव एक्सपीरियंस, बताना अगर नहीं किया है तो बताना सर नहीं एक्सपीरियंस किया है. व्हेन यू गो टू रेस्टोरेंट टू बाय समथिंग, यू सी मेनू कार्ड एंड यू फाइंड आउट कि विच वन इज द ऑफ लिस्ट प्राइस, विच वन इज चीपेस्ट वन, एंड अकॉर्डिंगली यू ऑर्डर. जब प्लेट में खाना आ गया तब देखते हैं आपकी, ये नहीं देखते हैं मेरा पेट भरा कि नहीं, ये नहीं देखते हैं, देखते हैं भैया पैसा कितना का बिल हो गया. अच्छा, चार आदमी खाने आए थे, ये तो 4800 का बिल हो गया. नहीं भाई, पेट भर गया ना? हाँ भाई, पेट तो भर गया एकदम. पेट में कितना गया मुझे मालूम है, लेकिन 4800 का था भाई, पेट भर गया. क्यों? क्योंकि बिल 4800 रुपये का हो गया है. ऐसा होता है कि नहीं बताओ हर्ष, ऐसा होता है कि नहीं? पैसा देख के पेट भरता है, होता है कि नहीं? होता है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है. तो ये मनी और एक्सपेंडिचर दो चीज के बराबर है. मेरे पास यार, मेरे पास 50,000-60,000 रुपया है, मैं हीरो स्प्लेंडर बाइक पे जितना मजा मुझे आएगा, जिसके पास 50,00,000 है उसके पूछो BMW पे बजाओ, वही मजा आएगा, उसी में खुश रहेंगे. आप देखेंगे छोटे गरीब आदमी के पास साइकिल खरीद लेता है, वो उसको बाइक का बजा देता है, उसको उतना ही प्रिजर्व करके रखता है वो. ये मनी मनी एक्सपेंडिचर और सेटिस्फैक्शन, ये रिलेटिव है कि आप जो खर्च कर रहे हो उस खर्च के बराबर आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ इतना जो बहस कर ली हम लोग, वी एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द लेवल ऑफ कंजम्पशन एट विच कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज मनी एक्सपेंडिचर. बट बड़ा सवाल तो अभी भी है भैया, ये जानेंगे कैसे? हाउ विल वी कम टू नो दैट कहां पे हो रहा है? तो इसका स्टडी तो होना चाहिए, शुड बी वन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ दिस, दैट हाउ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैन बी स्टडीड, हाउ कैन वी एनालाइज कंज्यूमर्स बिहेवियर. ओके, सो फॉर दिस देयर आर, व्हेन वी टॉक ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, देयर आर टू अप्रोचेज, देयर आर टू अप्रोचेज टू डिस्कस इट, देयर आर टू अप्रोचेज टू डिस्कस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. ओके, वन इज कार्डिनल अप्रोच, वन इज कार्डिनल अप्रोच एंड अदर इज ऑर्डिनल अप्रोच. वन इज कार्डिनल अप्रोच एंड अदर इज ऑर्डिनल अप्रोच. दिस अप्रोच ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हैज बीन गिवन बाय मार्शल. याद है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन क्लासिफिकेटरी डेफिनेशन, जो उन्होंने कहा था कि नॉर्मल इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं अपने किताब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, वही मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड मार्शल, ही हैज गिवन कार्डिनल अप्रोच टू कंज्यूमर बिहेवियर. एक्चुअली मार्शल कंट्रीब्यूशन टू स्टडी कंज्यूमर्स बिहेवियर इज priceless. The way he studied consumers' behavior and his contribution, even today's theory, whatever ordinalists also explained, but Marshall is base. He given a base for consumers' study of consumer behavior. Okay, that's why he is a great economist. I consider personally, and not me. सब लोग मानते हैं इसको. Okay, I will share his photograph to you. His life story and his short intro I will send to you all. Okay, now ordinal approach. This approach has been given by Hicks. Later on, Allen contributed into it. Then one Russian economist was Skitovsky. He also contributed in. So Hicks is considered as the pioneer. But Allen, Skidmore, because the tools which was used to study consumers' behavior in ordinal approach, they helped to develop those tools. Okay, so first is cardinal approach, another is ordinal approach. ये cardinal approach क्या है? Ordinal approach क्या है?
कार्डिनल अप्रोच बोलता है क्या, कंज्यूमर बिहेवियर को जो स्टडी करते हो, कंज्यूमर व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, बहुत भूख लगी हुई है, बहुत भूख लगी हुई है और एडिस्ट होम या दोस्त के आगे ही ऑफर्ड मी समोसा, माय फ्रेंड ऑफर्ड मी समोसा, तो आई एट कंज्यूम वन समोसा, टू समोसा, थ्री समोसा, फोर समोसा, जितना तुम खा सकते हो खाओ, आई पर्सनली विल कंज्यूम टू समोसा, सो वन समोसा, टू समोसा, थ्री समोसा, फोर समोसा, कार्डिनल वाला बोलेगा, कार्डिनल वाला बोलेगा देखो भाई पहला समोसा से 10 के बराबर संतुष्टि मिली मुझे, दूसरे समोसा से ये 8 के बराबर संतुष्टि मिली मुझे, तीसरे समोसा से 7 के बराबर संतुष्टि मिली मुझे, चौथे समोसा से 4 के बराबर संतुष्टि मिली मुझे, मतलब और भी कंज्यूम करेगा ये, ओके सो ही गॉट 4 समोसा ओनली, ही वांटेड टू ईट 8 समोसा बट ही गॉट 4 समोसा, सो ही कैन से दैट देखो फर्स्ट समोसा आई गॉट 10 सेटिस्फैक्शन इक्वल टू 10, मैं टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं कर रहा हूँ, लेटर ऑन आई विल यूज, सेकेंड समोसा से सेटिस्फैक्शन आई गॉट 8, थर्ड समोसा से सेटिस्फैक्शन आई गॉट 7, फोर्थ समोसा आई गॉट सेटिस्फैक्शन 4, तो वट इज ही इज एक्सप्रेसिंग, ही इज एक्सप्रेसिंग हिज सेटिस्फैक्शन लेवल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कार्डिनल मीन्स वॉट नंबर, ओके सो इन कार्डिनल अप्रोच सेटिस्फैक्शन ए कंज्यूमर गॉट फ्रॉम डिफरेंट समोसा इज बींग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर, ओके इसी पे बेस्ड है पूरा स्टडी, बट ऑर्डिनल अप्रोच से समोसा जब उसको मिला, when he got samosa, he say, in first samosa, I got more utility than second samosa. Second samosa, I got more utility than third samosa. Third samosa, I got more utility in comparison to fourth samosa. तो बोलता है कि comparative, the satisfaction, you know, I got from the fourth samosa, that was satisfaction I got. The satisfaction I got from fourth samosa, more satisfaction I got in third samosa. The satisfaction which I got in third samosa, more satisfaction I got in second samosa, and the most satisfaction I got in first samosa. So here, consumer is not expressing that how much satisfaction he has got in terms of numbers. Here, he is expressing in comparative terms. That is ordinal approach. Okay, अभी यही छोड़ते हैं ordinal को, cardinal को लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि both tools. Both methods are different, and different tools are, both methods have different tools. We will study accordingly. So, first is cardinal approach to consumers equilibrium, cardinal approach to consumers equilibrium, okay, so cardinal approach has been given by Alfred Marshall. We all know this. Now, next important is cardinal approach is based on the assumption. Now I will start using technical terms. Okay, अब आप लोग टॉपिक में इन कर चुके हैं मेरे ख्याल से. So cardinal approach is based on the assumption that utility, मैं अंडरलाइन करता हूं इसको, इसका सर्जरी करना पड़ेगा, utility which a
consumer receives from consumption of different units of a commodity can be expressed in terms of cardinal numbers, that is 1, 2, 3, so on. Okay, so first we have to study cardinal approach, and we have discussed that cardinal approach basic assumption is that the utility which a consumer derives from consumption of different units of a commodity can be expressed in terms of numbers. So तो ये एक बड़ा टर्म मिल गया हम लोगों को, यूटिलिटी. दिस यूटिलिटी वी हैव टू एनालाइज दिस यूटिलिटी. अगर हम यूटिलिटी को नहीं समझेंगे तो फिर आगे एनालिसिस नहीं कर पाएंगे. सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस यूटिलिटी. ये यूटिलिटी है क्या, वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, अभी से एकदम नोट्स में एकदम बनाते रहो, शेयर तो मैं करूंगा ही. द डे आई फिनिश दिस टॉपिक दैट डे ओनली आई विल शेयर नोट्स. ओके, अभी से नोट्स शेयर नहीं करूंगा. इनफैक्ट आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड नाउ, रीजन वही है, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड. बाय द टाइम आई विल प्रिपेयर आई विल शेयर विथ यू. सो ये जो टर्म है महाराज, यूटिलिटी, अब देखो ये बड़ा अच्छा. ये बताओ शिवम है क्लास में? शिवम कुणाल इज देयर इन क्लास? कुणाल बोलो, डायमंड ज्यादा वैल्यूएबल है या वाटर ज्यादा वैल्यूएबल है? पटना में मान लो सड़क किनारे एक डायमंड का पैकेट मिलेगा और एक ग्लास पानी मिलेगा, किसको उठाओगे? डायमंड. डायमंड, वेरी गुड. मैं भी वही करता, तुम ही नहीं कियो. I too would have done same thing. Okay, same thing I too would have done. अब ये दोस्त मैं सेम क्वेश्चन पूछता हूँ, कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ. यू आर इन थार डेजर्ट, कोरोना का कम हुआ खौफ तो निकल के घूमने के लिए दोस्तों के साथ थार जीप ली और थार डेजर्ट में चले गए. एकदम प्यास से प्राण निकल रहा है, पानी नहीं है. Okay, and if you don't get water, then your survival is difficult. Now you got two muskets. Muskets, जानते हो, leather का जो bag होता है, जो पानी भरा रहता है. एक muskets में chilled water भरा हुआ है, और दूसरे muskets में precious diamonds, stones जो भी है, वो सब भरे हुए हैं. अब बताओ, अब ये बताओ मुझे कि एक muskets उठाएंगे, दूसरा अपने आप गायब हो जाए. अगर डायमंड उठाया तो पानी गैप, पानी उठाया तो डायमंड गैप. लेकिन अभी निकट भविष्य में कहीं पानी मिलने वाला नहीं है, अब क्या करोगे? डायमंड का उठाओगे या पानी वाला उठाओगे? सर पानी वाला उठाएंगे. गुड, आई गॉट माई आंसर एंड आई गॉट आंसर ऑफ दिस. यूटिलिटी इज व्हाट? देयर इन द डेजर्ट वाटर्स नीड इज टू सेटिस्फाई योर वांट. जो प्यास है, यू क्वेंच योर थर्स्ट, दैट इज द नीड एट दैट टाइम. हियर आउट ऑफ माई गेट इन पटना, बिकॉज आई एम नॉट थर्स्टी, आई गॉट डायमंड एंड वाटर. आई सिलेक्टेड डायमंड बिकॉज आई नो दैट व्हेन आई सेल दिस डायमंड इन मार्केट आई विल गेट लैक्स ऑफ रुपीज. बट इफ आई सेल वन ग्लास ऑफ वाटर, इवन आई विल नॉट गेट ए सिंगल रुपी. बट देयर इन डेजर्ट वी नो दैट इफ आई लीव वाटर एंड सिलेक्ट डायमंड, देन आई would not survive to sell that time. So, capacity of any commodity to satisfy your need, the capacity of water to quench your thirst,
capacity of food item to satisfy your hunger, capacity of this shirt to cover my body, that is capacity of this glass to enhance my visibility. These are utility of this commodity. So utility can be defined as one satisfying capacity of a commodity. Utility is defined as one satisfying capacity of a commodity. In detail, we will discuss about utility.